जैसे ही वो लाइट अक्ष के ऊपर पड़ी तो अक्षर उसे देखते ही रह गया। अक्षर अपनी पूरी तैयारी के साथ अक्ष का इंतजार कर रहा था। अक्ष को कुछ नजर नहीं आ रहा था। अक्षर की नजर तो जैसे अक्ष पर जम ही गई थी। उसने वही ब्लू शर्ट, ब्लू हैंडवर्क ब्लाउज और ब्लू सिंपल सा शरारा पहना हुआ था, जो पूरी तरह से बारिश में भीगा हुआ था और भीगने की वजह से उसकी बॉडी से चिपका हुआ था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी रिवेल हो रही थी। हाथों में वेलवेट की ब्लू चूड़ियां, ब्राउन लॉन्ग सिल्की बाल जिनसे टप टप पानी गिर रहा था। हल्की ठंड लगने से उसकी रंगत गुलाबी हो चली थी। बेपनाह रोने की वजह से उसकी नीली आंखें सूज कर मोटी हो गई। हल्के कपकपाते गुलाबी होंठ जिन पर बारिश की बूंदें ठहरी हुई थी। मासूमियत और खूबसूरती, जैसे ये दो लफ्ज उसी के लिए बने थे। वो इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी, पर उसे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। अक्स ने कपकपाती आवाज में कहा, कौन है? प्लीज ये लाइट हटाइए ना, और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? प्लीज अब मुझे अंधेरे से डर लगता है, आप जो भी हो रोशनी कीजिए ना। बोलते हुए उसके लब थरथरा रहे थे। अक्षर की नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। अक्षर उस चेयर से उठा और धीरे धीरे अक्स की तरफ बढ़ते हुए सेडक्टिव आवाज में बोला, बारिश और ये तुम्हारा भीगा बदन, मुझे हद से बढ़ने पर मजबूर ना कर दे जाना। दिल चाहता है तुझे खुद में समा कर आज, तेरी बाहों में बस टूट कर बिखर जाऊं जाना। तेरे ये थरथराते लबों पर रख कर अपने होंठ, मुद्दत से है प्यास इस दिल में, उसको बुझा लो जाना। बोलते हुए उसकी आवाज इतनी डीप थी जिसे सुनकर अक्स अंदर तक कांप उठी। वो दो कदम पीछे हटी और उसके कानों में ये आवाज गूंज उठी और उसके मुंह से एक ही लफ्ज निकला, ये तो वही आवाज है। बोलते हुए उसे वो सब याद आ गया जब अक्षर ने उसे किडनैप किया था। अक्स चिल्ला कर बोली, आप वही है ना जिसने मुझे उस दिन किडनैप किया था, बोलिए ना। उसकी बात सुनकर अक्षर के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो एक ही झटके में उसी लाइट में अक्स के बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो गया। उस वक्त अक्षर ने भी ब्लू ब्लेजर पहना हुआ था, व्हाइट शर्ट और ब्लू जींस, ब्राउन लॉन्ग शूज। उसके बाल सलीके से बने हुए थे और कुछ बाल माथे पर आ रहे थे। उसकी हरी आंखें खुशी से चमक रही थी और गुलाबी होठों पर एक फरेबी मुस्कुराहट थी। उसे देख घबराहट से अक्स पीछे हटने लगी तो अक्षर ने अक्स का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अक्षर ने अपना हाथ अक्स की कमर पर रखा और दूसरा उसकी गर्दन पर। उन दोनों के चेहरे बिल्कुल नजदीक थे। अक्स की आंखों में खौफ था। उसने कपकपाते हुए होठों से कहा, आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? बोलते हुए अक्स के और अक्षर के होठों में सिर्फ कुछ ही फासला था, इतना कि दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। अक्षर ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मेरे होठों के इतने नजदीक आकर ये होठ खोलोगी और बोलोगी तो मैं मजबूर हो जाऊंगा इनको छूने को, इनमें डूब जाने को। बोलते हुए वो पूरी तरह से अक्स की खूबसूरती में खोया हुआ था। तभी अक्षर के फोन पर एक मैसेज आया। अक्षर उससे अलग हुआ और बोला, एक मिनट। बोलकर अक्षर अपने फोन में कुछ टाइप करने लगा। उसे देख अक्स मन में सोचते हुए बोली, ये इंसान सही नहीं है, इसकी नजर गलत है मुझ पर अभी एक सिर्फ यही है जो डेडा को बचा सकता है। मुझे हिम्मत रखनी होगी और इससे पैसे लेने होंगे। अक्स अपनी सोच में गुम थी। तभी अक्षर उसके पास आ गया और उसके गाल पर आई पानी से भीगी लटे पीछे करने लगा।
अक्स घबराकर दो कदम पीछे हो गई, जिससे लाइट उसके ऊपर नहीं थी। अक्षर एकदम से बेताब हो गया। उसने फिर से अक्स का हाथ पकड़कर खींचा और उसे मजबूती से अपनी गिरफ्त में ले लिया और बोला, मेरी नजरों से एक पल भी दूर नहीं होना है और चाहती हो ना कि तुम्हारे पापा बच जाएं। 10 करोड़ चाहिए ना? बोलते हुए उसकी आवाज में धमकी थी। अक्स ने डरते डरते उसकी तरफ नजर उठाकर देखा और कहा। अक्षर अक्स की तरफ खींचा जा रहा था। उसका मन हो रहा था कि वो उसे अभी इसी पल खुद में संभाले। वो खुद से बोला, कंट्रोल एआर, तुझे खुद को संभालना होगा। अभी बहकना नहीं है, प्लान पर फोकस करना है। अक्षर ने खुद को संभाला और अक्स को घूरने लगा। अक्स ने घबराते हुए कहा, पर उसके बदले आपको क्या चाहिए? बोलते हुए अक्स हकला रही थी। उसकी बात सुनकर अक्षर धीमी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, गुड क्वेश्चन। आई नो तुम्हारे पापा के पास समय बहुत कम है, तो जो भी है वो जल्दी क्लियर कर लेते हैं। फॉलो मी। बोलकर अक्षर तेजी से अंदर की तरफ चलने लगा। अक्स भी अक्षर के पीछे जाने लगी। अक्षर जीने से चढ़ते हुए अपने रूम में पहुंच गया। अक्स जैसे ही उस कमरे के गेट पर पहुंची, उसे फिर से वो सब याद आ गया जब अक्षर ने अक्स को जबरदस्ती छुआ था। उसकी आंखों के सामने युवान का चेहरा आ गया। एक गिल्ट उसके अंदर भर गया। आंखों से आंसू बह निकले। अक्षर ने पलट कर देखा तो सर्द आवाज में बोला, अंदर आओ, अपने पापा को बचाना है या नहीं? जी। अक्स ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और जल्दी से अंदर आ गई। अक्षर ने टॉवल उठाया और उसके पास आकर उसके गीले बालों से पानी साफ करने लगा। अक्स उसे रोकते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ना, अब वक्त नहीं है मेरे डैडा के पास। इन सब में टाइम वेस्ट मत कीजिए और छुए तो मुझे बिल्कुल भी नहीं। बोलते हुए उसकी आवाज में गुस्सा झलक रहा था। उसके तेवर देखकर अक्षर ने उसके भीगे हुए चेहरे को साफ करते हुए बोला, आई लाइक योर एटीट्यूड माई गर्ल, पर ऐसे भीगी रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उसकी बात सुनकर अक्स के माथे पर गुस्से से बल पड़ गए और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ये सब आपको मजाक लग रहा है? आप जानते हैं ना, मेरे डैडा वहाँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। क्या मैं ऐसे में अपनी तबीयत की फिक्र करूंगी? उसका गुस्सा देख अक्षर ने लंबी सांस ली और उसके कान के नजदीक अपने होंठ लाकर बोला, वेरी गुड, जितनी सीरियस अभी हो बिल्कुल उतनी ही रहना, क्योंकि मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ उसके बाद शायद तुम्हें अपने डैडा की नहीं खुद की चिंता हो। बोलते हुए अक्षर ने उसके पास हटकर तौलिया बेड पर फेंक दिया, फिर कबर्ड से एक फाइल और एक बैग निकाला और अक्स के पास लाकर रख दिया और बोला, ये रहे पूरे 10 करोड़, ये तुम्हारे हुए, पर बदले में। उस बैग को देखकर अक्स की आंखें भर आई और भर्राई आवाज में कहा, आप अच्छे इंसान तो नहीं है, आपके इरादे भी सही नहीं है। आपने जो मेरे साथ किया वो बहुत गलत था, पर ये पैसे देकर आप मेरे डैडा की जिंदगी बचा रहे हैं। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अक्स की आवाज में खुशी की खनक और आंखों में आंसू थे। उन्हें देख अक्षर हंसते हुए बोला, बड़े नादान हो तुम मेरी मैडी, मेरी सारी चीजें गलत थी और इन 10 करोड़ के बदले मुझको जो चाहिए उसे देख मैं सबसे ज्यादा गलत लगूंगा तुम्हें। उसकी बात सुनकर अक्स डर से सहम गई। तभी अक्षर ने वो फाइल अक्स के सामने रखी और बोला, इन पेपर्स पर साइन करते ही 10 करोड़ तुम्हारे हो जाएंगे। अक्स ने जल्दी से वो फाइल ली और पढ़ने लगी और उसे पढ़कर अक्स खौफ से कांप उठी।
वो सन पड़ गई, जैसे उसके पांव तले जमीन ही खिसक गई हो। क्या लिखा था उस फाइल में? क्या अक्स करेगी साइन? क्या अक्स बचा पाएगी विशाल जी को? जानने के लिए देखना न भूले नेक्स्ट एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल कहकशा एफएम।